नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों ये कहानी जो आज की स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। आपको सुनना पड़ेगा पूरा, फिर आपको समझना भी पड़ेगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जो देवता होते हैं, देवता चर्चा कर रहे होते हैं किस बात पर लेकर कि मनुष्य की जो हर मनोकामना पूरी करने वाली जो शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है जिससे मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो सके, वो शक्ति हम कहाँ छुपाएं। इस पर देवता पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, चर्चा हुई, सोचते रहे कि यार कहाँ छुपाए इसका है इसको शक्ति को जिससे मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो सके। फिर उनमें से एक देवता ने अपनी राय दी कि इस शक्ति को, चमत्कारी शक्ति को, हम एक गुफा में छुपा देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। फिर दूसरे देवता ने कहा कि नहीं, इस चमत्कारी शक्ति को हम पर्वत की चोटी पर छुपा देते हैं, कोई इतनी ऊपर जा भी नहीं पाएगा और किसी को शक्ति मिलेगी भी नहीं। वहाँ उस देवता की बात पूरी भी नहीं होती कि तीसरा देवता ने कहा कि नहीं, इस चमत्कारी शक्ति को हम समुद्र की गहराई में छुपा देते हैं, मनुष्य कभी समुद्र में जा ही नहीं पाएगा इतनी गहराई में, ना ही वो ये चमत्कारी शक्ति ढूंढ पाएगा, ना ही वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये सभी देवताओं ने अपनी अपनी राय दी। जब सभी देवताओं की राय ख़त्म हुई तो उन्होंने तो एक बुद्धिमान देवता ने कहा, नहीं, ना तो हम ये चमत्कारी शक्ति को हमें गुफा में छुपाना चाहिए, ना ही इस चमत्कारी शक्ति को हमें पर्वत की चोटी में छुपाना चाहिए और ना ही इस चमत्कारी शक्ति को हमें समुद्र की गहराई में छुपाना चाहिए, बल्कि इस चमत्कारी शक्ति को मनुष्य के ही मन की गहराई में छुपा देनी चाहिए। मनुष्य के मन की गहराई ही ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य कभी जा ही नहीं पाएगा, अगर गया तो उसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा जो कि वो मनुष्य कभी करता नहीं है। बचपन से ही उनका दिमाग, उनका मन बाहर के जगत में दौड़ता रहता है। तो सभी देवताओं की ये बात अच्छी लगी उस देवता की, और यही हुआ, मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली वो अद्भुत चमत्कारी शक्ति को मनुष्य के ही मन में छुपा दिया गया। तो ये बात को उसको माना गया, देवता ने उसमें छुपा दी गई। इसीलिए कहा जाता है मानव मन में अद्भुत शक्तियाँ निहित है। तो दोस्तों यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी में ये सिखाया गया है हमें कि जो हमारी मनोकामना, हर मनोकामना पूर्ण करने वाली जो अद्भुत शक्ति है वो कहीं बाहर नहीं, हमारे ही मन में स्थित है, हमारे मन में ही निहित है, हमारे मन की गहराई में ही ये छुपी हुई है। इसको हम जब भी खोज सकते हैं जब हम एकदम पूरा 100% ध्यान अपने मन में लगाए, उस चीज़ पर लगाए जो हम पाना चाहते हैं, जब ही हमें वो चमत्कारी शक्ति बाहर निकलेगी और वो मनो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल पाएगी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं हम अपनी नए स्टोरी में, नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।